आप लोगों के लिए एक संदेश है। यू कैन रीड द मैसेज। आप इस मैसेज को सुन सकते हैं। यू कैन लिसन दिस मैसेज। आप इसे सुन सकते हैं। व्हाट मैसेज आई हैव कम विद दिस मैसेज। आज मैं किस सुसमाचार के साथ आपके पास आया हूँ। आई हैव मैसेज विद द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपके पास यीशु मसीह के सुसमाचार के साथ आया हूँ। द बाइबल सेज, आगे बताती है, एवरी पर्सन इज अ सिनर। सब जन पापी है। एवरी पर्सन इज अ सिनर। सब जन पापी है। दोज हु केम फ्रॉम द वूम ऑफ देयर मदर आर सिनर्स। जो अपनी माता के गर्भ से आया वो सबके सब पापी है। एवरीवन इज सिनर। सबके सब पापी है। टुडे वी आर इन दिस वर्ल्ड। आज हम इस संसार में है। वी स्लीप, हम सोते हैं। वी ईट, हम खाते हैं। वी वॉक, हम काम करते हैं। बट वन डे वी विल डाई, लेकिन एक दिन हम मर जाएंगे। वी ऑल विल डाई, हम सब मर जाएंगे। दिस फूड विल नॉट सेव अस, ये भोजन हमें नहीं बचा पाएगा। दिस फूड कैन फीड योर फ्लैश, ये सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के लिए है। बट आई हैव अ मैसेज, आई हैव अ फूड फॉर योर स्पिरिट, लेकिन मेरे पास आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए भोजन है। व्हाट मैसेज आई हैव, मेरे पास आज क्या संदेश है। एवरी पर्सन इज अ सिनर, सबके सब पापी है। हु विल गो टू द हेवंस, कौन स्वर्ग में जाएगा। हु विल go to the hell, कौन नरक में जाएगा। One day you will die, एक दिन आप मर जाएंगे। One day everyone will die, एक दिन सब मर जाएंगे। Can you tell me where you will go, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ जाएंगे। Where your body will go, कहाँ आपका शरीर जाएगा। According to the word of God, परमेश्वर के वचन के अनुसार। According to the Bible, बाइबल के अनुसार। Everyone is a sinner, सबके सब पापी हैं। We are created by the mud, हम मिट्टी से बनाए गए। And our body will return to dust, और वो फिर से मिट्टी में मिल जाएगी। And the spirit will go to the father, और आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा। As we are sinners, जैसे कि हम पापी हैं। Our father in heaven, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। He sent his only son Jesus Christ, उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। To die for us, कि वो हमारे पापों के लिए मारा जाए। And he died for us, और वो हमारे लिए मारा गया। His hands were nailed, उसके हाथों में कीले गाड़ी गई। Because our hands did crime, क्योंकि हमारे हाथ गलत काम करते हैं। Our hands did sin, हमारे हाथों ने गलत काम किया। Our feet go to the wrong way, हम गलत रास्तों पर गए। That's why his feet were nailed, इसलिए उसके पैरों में कीले गाड़ी गई। My brother, if you are listening me, मेरे भाई अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं। My sister, if you are listening me, बहन यदि आप मेरी बात सुन रही हैं। Just give me 2 minutes, I want to speak something with you, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। One day you will die, एक दिन आप मर जाएंगे। One day you will finish, एक दिन आप खत्म हो जाएंगे। Your money will not go with you, आपका धन आपके साथ नहीं जाएगा। Your body will not go with you, आपका शरीर आपके साथ नहीं जाएगा। Will not go with you, आपकी दुकानें आपके साथ नहीं जाएंगी। Your business will not go with you, आपका बिजनेस आपके साथ नहीं जाएगा। Your family will not go with you, आपके लोग आपके साथ नहीं जाएंगे। You will die alone, आप अकेले मरेंगे। You will die alone, आप अकेले मरेंगे। Everyone will leave you, वो सब आपको छोड़ देंगे। What you will do then, उस समय आप क्या करेंगे। Only God and you, सिर्फ परमेश्वर और आप। Only God and you, परमेश्वर और सिर्फ आप। If you are a saved person, अगर आप एक बचाए गए मनुष्य हैं। What I mean by saved person, एक बचाए मनुष्य से क्या मतलब है। The person whose sins are forgiven, जिसके पाप क्षमा किए गए हैं। The person who is forgiven, मनुष्य जिसके पाप क्षमा किए गए। How one can be forgiven, कैसे हम अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं। If you believe, यदि आप विश्वास करते हैं। I am in Karol Bagh right now, मैं इस समय करोल बाग में हूँ। And I have a message for you, और मेरे पास आपके लिए एक संदेश है। If you believe that you are a sinner, अगर आप ये विश्वास कर रहे हैं कि आप एक पापी हैं। And Jesus died for you, और यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मारे गए। And risen after 3 days, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। And he is your savior, और वो आपका उद्धार करता है। He will forgive you, my sister, वो आपको बचा लेगा। He will forgive you, my brother, वो आपके पापों को क्षमा कर देगा। Invite Jesus in your life, आज यीशु को अपने जीवन में बुलाएं। Give your life to Jesus Christ, अपने जीवन को परमेश्वर को दे। God will forgive you, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। If you want to go to the heavens, अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं। God can send you there, परमेश्वर आपको वहाँ भेज सकता है। God can invite, God is inviting you there, आप लोगों को बुला रहा है। Just surrender your life, आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में। Give your life to Jesus, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में। If you are sick today, अगर आज आप बीमार हैं। If
यू आर सिक टुडे, अगर आप आज बीमार हैं, गॉड कैन हील यू, परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है. इफ यू आर अंडर डेब्ट, अगर आप कर्जों में हैं, गॉड कैन डिलीवर यू, परमेश्वर आपको छुटकारा दे सकता है. माय ब्रदर, मेरे भाई, व्हाट यू आर ईटिंग राइट नाउ, क्या आप इस समय खा रहे हैं, व्हाटएवर यू आर ईटिंग, जो कुछ आप इस समय खा रहे हैं, दिस विल नॉट सेव योर सोल, आपको नहीं बचा सकता, इट विल ओनली फीड योर बॉडी, सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के लिए. एंड वन डे यू विल डाई, एक दिन आप मर जाएंगे. बट गॉड कैन सेव योर स्पिरिट, परमेश्वर आपकी आत्माओं को बचा सकता है. इफ यू रिपेंट, अगर आप अपने पापों से पश्चाताप करें, इफ यू रिपेंट, अगर आप पश्चाताप करें, इफ यू रिपेंट, अगर आप पश्चाताप करें, गॉड विल फॉरगिव यू, परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा. द बाइबल से बताती है, गॉड फादर, परमेश्वर, सेंट हिज ओनली सन, अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को, इनवाइट जीसस इन योर लाइफ, आज उसे अपने जीवन में बुलाएं. ही विल हेल्प यू, वह आपको बचाएगा. ही विल हील यू, आपको चंगा करेगा. He will help your family. वो आपके परिवारों को चंगा करेगा. He will help your everything. वो आपको बचाएगा. My brother, you are educated person. You can read this. आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं. Nothing will go. कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा. God can forgive you. परमेश्वर आपको क्षमा करेगा. Rain is coming. जब बारिश आती है. Now rain is coming. इस समय बारिश आएगी. What we see, the heavens are open. हम देखेंगे कि स्वर्ग खुल जाएगा. Heaven is open right now. ये समय खुल चुका है. And God is asking everyone. परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है. To receive His Son Jesus. अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करें. Can you believe Jesus died for you? आप विश्वास कर रहे हैं कि वो आपके पापों के लिए मारा गया? Can you believe He is risen after 3 days? वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा. He is a living God. वो आज जीवित परमेश्वर है. I have a pamphlet for you. मेरे पास आज आपके लिए pamphlet है. You can read the pamphlet to the people. आप इसे ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं. By reading the scriptures of the God. परमेश्वर के वचन के अनुसार. By reading this. इसे पढ़ने के बाद. And believing this. और विश्वास करने के बाद. God can forgive you. परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा. If you are smoking today. अगर आज आप स्मोकिंग कर रहे हैं. If you are smoking cigarette. अगर आप सिगरेट पी रहे हैं. This is a sin. आप एक पाप है. If you are consuming liquor. अगर आप शराब पी रहे हैं. This is a sin. एक पाप. If you are looking on another woman, अगर आप किसी दूसरी स्त्री को देख रहे हैं, एक पाप है. But God wants to forgive you. लेकिन परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है. God wants to forgive you, my brother. परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है. Jesus loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. He wants to take your burden. वह आपके उस बोझ को उठाना चाहता है. And heal you. और आपको चंगा करना चाहता है. And give you brand new life. और आपको एक नया जीवन देना चाहता है. The eternal life is belong to Jesus Christ. अनंत काल का जीवन प्रभु के हाथ में है. Eternal life belongs to Jesus Christ. यीशु मसीह से जुड़ा है. If you invite Jesus, अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में पुकारते हैं, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा. Will you invite him? क्या आप उसे अपने जीवन में invite? Will you invite him, my brother? क्या आप उसे बुलाएंगे? Just invite Jesus in your life. आज यीशु को अपने जीवन में पुकारें. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Just give your burden to Jesus. आज अपने बोझ को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे. God will give you. परमेश्वर आपको जीवन देगा. आपको अनंत काल का जीवन देगा. God is not something which is created by human. जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है. God is not created by human. वो कोई मनुष्य के द्वारा परमेश्वर नहीं बनाया गया. God created everything. परमेश्वर ने सब कुछ बनाया. Before I leave this place. स्थान को छोड़ने से पहले. Let me pray for you. मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. Let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. Let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. Let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. Loving Heavenly Father. परमेश्वर. I come before you. मैं तेरे सम्मुख आता हूँ. I give करोलबाग. मैं इस करोलबाग को. This market. इस पूरी मार्केट को. Everyone. इस सब लोगों को. Listen your word. जो तेरा वचन सुन रहे हैं. Give your in your hands. मेरे हाथों में सौंपता हूँ. Bless them, Lord. परमेश्वर सबको आशीष दे. With your salvation. अपना उद्धार दे. With your forgiveness. इन्हें क्षमा कर. Give them eternal life. इन्हें अनंत काल का जीवन दे. I apply the blood of Jesus Christ in Delhi. मैं यीशु मसीह का लहू इस पूरे दिल्ली पर लगाता हूँ. I apply the blood of Jesus in Rajdhani. मैं इस पूरी राजधानी पर यीशु का लहू लगाता हूँ. Let the revival come. इस जगह पर उद्धार आए. Let people come to Jesus Christ. सब जन परमेश्वर के पास आए. People are interested. Give the pamphlets. इन्हें पैम्पलेट दो. The Bible says. बाइबल बताती है. Those who believe, जो विश्वास करे, they will be saved. वह बचा लिया जाएगा. Thank you so much.
for listening me. सुनने के लिए. God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. If you believe, यदि आप विश्वास कर रहे हैं. Jesus died for you. यीशु मसीह आपके लिए मारा गया. He will forgive you. वो आपको बचा लेगा. He will give you an eternal life. वो आपको अनंत काल का जीवन देगा. Just give your life to Jesus. अपने जीवन को परमेश्वर को दें. One day you will die. एक दिन आप मर जाएंगे. And we'll stand before God. और परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे. Nobody can rescue you. कोई भी आपको वहां नहीं बचा पाएगा. Just surrender your life. आज अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप दें. Today. आज ही. This moment. इसी समय. This is the day of salvation. ये आपके उद्धार का समय है. And God has brought this for you. और परमेश्वर आज आपके लिए लेकर आया है. My brothers are working here. मेरे भाई जो यहाँ पर काम कर रहे हैं. Those who are working here. जो यहाँ पर काम करते हैं. I am praying for you, my brother. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. I am praying for you. मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. Do you want me to pray for you? आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ? Do you want me to pray for you? आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ? Just raise your hand if you want. अपने हाथों को उठा लें. परमेश्वर आपको आशीष दे. परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है. God is blessing you. परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है. हालेलुया. यीशु मसीह के नाम में. Thank you for listening me. क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Thank you for listening. मुझे सुनने के लिए धन्यवाद. God is blessing me today. परमेश्वर आज आप सबको आशीष दे रहा है. God is blessing you, my brother. परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है भाई. हालेलुया. आमेन. God is blessing this all the shopkeepers here. परमेश्वर इन सब दुकानदारों को ब्लेस करे. In Jesus name. यीशु मसीह के नाम में. Everyone who believes. जो विश्वास करे. That he is a sinner. वो पापी है. God is going to bring a salvation for them. God is going to bring salvation for them. Give your life to Jesus Christ. God will rescue you. God will deliver you. God will deliver you. God will deliver you. This sister will give the message for you. Give the message for you. Just hold this. Jesus died for you. प्रभु यीशु मसीह वचन बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा. जो कोई आज प्रभु के नाम को आज अपने जीवन में स्वीकार करेगा और जो कोई अपने मन में प्रभु को बुलाएगा आज प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आएंगे. यस यस आई विल प्रे फॉर यू. स्वर्गीय पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता इस समय परमेश्वर पिता क्रोल बाग में परमेश्वर पिता जितने लोग परमेश्वर पिता इस समय इस मार्केट में मौजूद है परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर तेरा आत्मा हर एक जन को परमेश्वर ब्लेस करे परमेश्वर पिता पूरी दिल्ली को ब्लेस करे परमेश्वर यीशु तेरा आत्मा यहाँ पर काम करे परमेश्वर जोरों से काम करे परमेश्वर पिता तेरा रिवाइवल यहाँ पर आए परमेश्वर और ये तेरी बड़ी बेदारी बड़ी बरकत बड़ी आशीष को देखे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में. आमेन. God bless you. आमेन. थैंक यू ब्रदर. God bless you.